मेरे सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल महमूद। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जो कश्मीर के जो युवा है वो अपने आप को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे और इंटरनेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट करे। कश्मीर के जो युवा है वो दुनिया में कहीं पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं और हम कश्मीर के टैलेंट को बाहर लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज हमने मुनासिब जाना कि हम वादी कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के एक यंग रैप आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक रैप आर्टिस्ट जुड़े हैं बड़गाम से, जिनका नाम वाजिद हलीम है। और वाजिद हलीम जो कि 17 साल की इनकी उम्र है, जो रैप आर्टिस्ट है और लिरिसिस्ट है। और चलिए इनसे डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। वाजिद साहब, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी वाजिद साहब, आप हमारे नाज़रीन को डायरेक्ट इंट्रोडक्शन अपना कराइए। आप कहाँ से, आप कहाँ रहते हैं और आपकी जो तालीम है वो कहाँ से आपने हासिल की है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वाजिद है और मैं बीरवा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी तालीम लोकलिटी में ही हासिल की है और मैं अभी 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। जी वाजिद साहब, आप रैप आर्टिस्ट हैं, आप कब से इस फील्ड में हैं? सर एक्चुअली मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट जब मैं यूट्यूब पे आया तो 1 साल हो गया मुझे। वाजिद साहब, आप रैप के अलावा और आप क्या करते हैं? सर रैप के अलावा अभी पढ़ रहा हूँ क्लास 10th में और स्टडी इज कंटिन्यू है। जी वाजिद साहब, हमने सुना है कि आपका जो पोस्ट एक जो था कि वो धर्मेंद्र ने भी शेयर किया है। यस सर, क्या ये सही है? यस सर, एक्चुअली पिछले 3 महीने पहले एक बार ट्विटर पे मैंने पोस्ट एक शेयर किया था अपनी वीडियो क्लिप, तो उसको धर्मेंद्र साहब ने पोस्ट डाला है, धर्मेंद्र साहब ने शेयर किया है। मैं आपको भेजूंगा भी और उस पर वेरीफाइड अकाउंट से उन्होंने शेयर किया। जी वाजिद साहब, हमने ये भी सुना है, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आपने कई बार बहुत सारे मतलब अवार्ड्स भी जीते हैं। यस सर, मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं और बहुत सारे इवेंट्स मैंने जीते भी हैं और पिछली बार भी मैंने गांधीनगर टैलेंट हंट भी जीता है और यहाँ पे बहुत सारे TVS में भी मैंने बहुत सारे शोज जीते हैं और बहुत सारे उनके साथ मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं और अभी कंटिन्यू। वाजिद साहब, आप रैप आर्टिस्ट हैं, आप लिरिसिस्ट हैं, आप हमारे नाज़रीन को कुछ यहाँ पे सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा, गौर फरमाएगा लिरिक्स पे। सो लिरिक्स ऐसे हैं, साया बन के चले मेरे साथ, हाथ सर पे रख के छोड़ा ना कभी साथ, दिखा दिया सच्चाई का रास्ता, हाथ में थाम के कलम, खुद काम काज छोड़ के हमेशा मेरे साथ चले, चाहे काली रात आवे या फिर बरसात आवे, फरिश्ता बन के मेरे साथ आवे, फेस की उसने है कितनी ये प्रॉब्लम्स होगी मेरी बहुत ही डिमांड्स। साया बन के चले मेरे साथ, हाथ सिर पे रख के छोड़ा ना कभी साथ, दिखा दिया सच्चाई का रास्ता, हाथ में थाम के कलम, खुद काम का छोड़ के हमेशा मेरे साथ चले। और वाजिद साहब, आपकी क्या मैसेज रहेगी जो यूथ है अभी जो वो लोग ड्रग्स करते हैं या डिप्रेशन में है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यूथ के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जिसको जो भी फील्ड पसंद है, जिसको जो भी काम करना पसंद है, वो उसमें आए और दिल से वो काम करे, वो दिल से उसकी तरफ जाए और पढ़े भी। ये ड्रग्स और बाकी जो इमोरिटीज़ हैं इनमें ज़्यादा ध्यान ना दें और इनकी तरफ ना जाए और कश्मीर को बहुत ऊंची लेवल तक ले जाए और बहुत ही अच्छी जगह हो, नेशनल लेवल और एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को रिप्रेजेंट। चलिए वाजिद, आपका शुक्रिया। ये थे वाजिद हलीम, जो कश्मीर के यंग रैप आर्टिस्ट है। इनसे आपने बात करने की कोशिश की और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे युवा है वो आगे अपने आपको नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। कश्मीर के जो युवा है ये दुनिया में कहीं पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। बने रहे मुज़म्मिल महमूद के साथ। अल्लाह हाफिज़।